पत्थर पाए जाते हैं। इस गांव का नाम है कोस्तेस्ती। यह गांव रोमेनिया में स्थित है। रोमेनिया के लोग इस चमत्कारी पत्थर को ट्रवेंट्स कहते हैं। ये पत्थर चल सकते हैं, बड़े होते हैं और छोटे नए पत्थर भी पैदा करते हैं। इस ट्रवेंट पत्थरों को बहुत ही खास माना जाता है। वर्ष 2004 में ट्रवेंट्स म्यूजियम नेचुरल रिजर्व्स को बनाया गया इस पत्थर की सुरक्षा और संरक्षण के लिए। इन पत्थरों ने दुनिया के तमाम साइंटिस्ट को हैरानी में डाल दिया है। जब यहाँ बारिश होती है या फिर जब इन पत्थरों को पानी के संपर्क में लाया जाता है तो इन पत्थरों में जैसे जान सी आ जाती है। मशरूम की तरह ये पत्थर बड़े होने लगते हैं। कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक ये पत्थर बड़े होते हैं। जितना पत्थर छोटा होता है वो उतनी ही जल्दी बड़ा होता है। बड़े होने पर पहले जो पत्थर कुछ ग्राम वजनी था वो एक टन से भी ज़्यादा वजनी हो जाता है। जब वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों को बीच में से विभाजित किया तो उन्हें पत्थरों में से जीवन रेखा दिखाने वाली एज रिंग्स मिली। ये एज रिंग्स पेड़ों को काटने पर पाई जाती है और इस रिंग से पेड़ की उम्र पता लगाई जाती है। एक और हैरान कर देने वाली बात इन पत्थरों की ये है कि ये पत्थर अपने आप चलते भी है, बिल्कुल डेथ वैली के सेलिंग स्टोन्स की तरह। साइंटिस्टों का मानना है कि ऐसा तापमान में बढ़ने या घटने के कारण होता है, लेकिन स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि इसके पीछे एलियंस या दैविक शक्तियों का हाथ है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि यह पृथ्वी के भीतर स्थित मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। रोमेनिया के लोग इन पत्थरों को अपने बगीचे में रखते हैं और ये पत्थर यहाँ से वहाँ चलते रहते हैं। इन पत्थरों की चमत्कारिकता सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रुकती, ये पत्थर उनके जैसे छोटे पत्थर भी पैदा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पानी के संपर्क में आने पर जैसे पेड़ नई डालियाँ बनाता है, वैसे ही ये पत्थर में छोटा सा उभार आता है जो बढ़ता जाता है और नया पत्थर बन जाता है। जब ये नया पत्थर बहुत बड़ा हो जाता है तो वो अलग हो जाता है और वो भी नए पत्थर पैदा करने लगता है। दुनिया के कई साइंटिस्ट यहाँ आकर रिसर्च कर गए हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये किसी को भी नहीं पता। पेड़ पौधे जैसे कई गुण होने पर इन पत्थरों को जीवित माना जाता है। दुनिया में दूर दूर से लोग इन पत्थरों के चमत्कार को देखने के लिए आते हैं। यह जगह एक बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट स्थान बन गई है, इसी वजह से यूनेस्को ने इस जगह को नेचुरल रिजर्व में तब्दील कर दिया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे भूले बगैर लाइक कीजिए, इसे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए।